हेलो गाइस, आज व्रत का साबूदाने की पराठे बनाते हैं और बहुत टेस्टी होंगे और पूरे दिन आपको एनर्जी मिली रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साबूदाना लिया है, इसको हम कढ़ाई में भूजेंगे बिना तेल का, और जब कुरकुरे हो जाएंगे तब समझ लो भूज गए हैं ये। तो ये भुन गए हैं, देखो टूटने लग गए। अब हम इसको मिक्सी में पीस देंगे, इसका आटा बनाएंगे। आटा बना लिया, इसमें हम एक उबला हुआ आलू घिसेंगे। आलू डालने के बाद इसमें मैंने राजगीरा का आटा डाला थोड़ा सा, एकदम दो चम्मच राजगीरा का आटा थोड़ा सा डालना है, उससे थोड़ा सेट हो जाएगा। और हरी मिर्च और अदरक, ये सेंधा नमक डालना है। और अब इसको मिक्स करेंगे पहले अच्छे से, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ताकि गीला ना हो, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये देखो, अब इसको अच्छे से मसलना है मसलना है मसलना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा, थोड़ा सा पानी डाल के इसको और इसको गूंथ के इसको ढक के रख देंगे कपड़े से थोड़ी देर के लिए। तब तक हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। मैंने पैन में तेल डाल के थोड़ा जीरा डाला है और इसमें उबले हुए आलू ऐसे हाथ से मसल के डाल दिए हैं। इसमें थोड़ी सा अदरक पिसा हुआ और हरी मिर्च डाल दी, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सेंधा नमक बस, और कुछ नहीं डालना इसमें। बस दो तीन मिनट इसको चलाएंगे, थोड़ा कच्चे मसाले हट जाएंगे। और पानी डाल के इसको दो तीन मिनट पकाएंगे, क्योंकि आलू तो उबले हुए हैं, बहुत जल्दी बन जाएगी। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, ढक के दो तीन मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई, बहुत अच्छी सी बन गई है। अब इसको हटा देंगे। अब आटा देखते हैं, आटा सेट हो गया है। इसमें थोड़ा हम अब घी डालेंगे, घी से हाथ पे चिपकेगा नहीं, वैसे भी चिपकेगा नहीं है। ये अच्छे से घी मिला दिया इसमें। अब इसकी लोई बनाएंगे और रोटी की तरह बेलेंगे। इसके कोने फटते हैं पर कोई बात नहीं, इसको चाकू की मदद से या कटर की मदद से भी इसके कोने काट सकते हो, बराबर कर सकते हो, और नींब काटोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़े से मैंने इसके कोने काट दिए बस। अभी मैंने सारी बेल की इकट्ठा रख दी है और ढक दी है ताकि ये सूखे ना। अब एक एक करके इसको सेकते जाएंगे परांठे, और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और इतने टेस्टी होंगे कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करना कि कितने टेस्टी लगते हैं ये। ये घी लगा के, और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस गोल्डन होने तक पकाएंगे, नहीं तो कड़कड़े हो जाएंगे एकदम। ये बहुत नरम बन जाएंगे ये। अब थोड़ी सब्जी निकालेंगे और पराठ के साथ सर्व करेंगे। ये देखो कितना नरम मुलायम पराठा बना, एकदम मुट्ठी के अंदर आ गया। खा के दिखाती हूँ मैं आपको कितना टेस्टी बना हुआ है। ज़रूर बनाना, ट्राई ज़रूर करना। हाँ, क्या टेस्ट है, हाँ, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच।